अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो व्यूवर्स? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो गिरते गिरते बच गया हूँ, गिरा नहीं हूँ। गिरता तो आपको पता चल ही जाता है, जिस तरह मुझे झटका लगा है व्लॉग के स्टार्ट में, झटका लग गया है। चलो अल्लाह खैर करे बच गए हैं। क्यों? जो आपको पता है यहाँ पे पसी के ऊपर चलना बहुत मुश्किल काम है। यहाँ पे घास भी होता है और बारिश हुई पड़ी, आपको पता है हर तरफ बारिशें हो रही हैं, तो ये गीला हुआ पड़ा है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्लिप होके पर हाल बच गया हूँ ना। कोई मसला नहीं, खैर है, आपके लिए व्लॉग तो बनाना है ना। अब तो बारिश हो चुकी है, बारिश ख़त्म होने के बाद अब इसमें इसको स्प्रे की ज़रूरत है, वो करवाने के लिए आए हैं। इस साथ साथ आपको मैं ये दिखा दूँ फल, इसका कलर भी चेंज हो रहा है क्योंकि इसका टाइम भी अब साथ आ चुका है, ये भी फाइनल होने वाला है क्योंकि ये अगले हफ्ते अगले महीने, अभी जुलाई है ना, अगस्त में इसने मार्केट में आ जाना होता है। लेकिन अभी तो मार्केट में ये आ चुका है, वो वाले पौधे होंगे जो बड़े बाग होंगे, पुराने बाग होंगे। हमारा तो न्यू है, आपको पता है। ये देखें अभी कितना बड़ा हो चुका है, अब इसने कलर चेंज करना है। थोड़ा सा और भी बड़ा होगा लेकिन कलर भी साथ चेंज करेगा, ठीक है ना। तो मैं बता रहा था आपको, वो आ चुके हैं मार्केट में जो पुराने होंगे, 4 साल के 5 साल के। हमारा बाग तो अभी है 2 साल का हो चुका है और तीसरे साल में ये इंटर हो चुका है। तो इधर देखिए, इधर सारी तिली है, तो ये जो बाहर खड़े हैं ना, ये बड़े प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। इन पर साफ़ सुथरा फल नज़र आ रहा है, जिस तरह इसके ऊपर ये देखें कितना मज़ेदार फल नज़र आ रहा है। यही फ़ायदा होता है अगर फसल ना हो, लेकिन इनकी हिफाजत कम है, उनकी हिफाजत ज़्यादा है क्योंकि आपको पता है ये तो बाहर सामने नज़र आ रहे हैं हर किसी को, वो अंदर छुपा हुआ है। एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, ये जिसको ये बेल नुमा की होती है, ये देखें अब पूरे पौधे के ऊपर चढ़ गई है, वहाँ तक ऊपर तक गई हुई है। इसको भी उतारता हूँ मैं, अभी आपको दिखाते हैं। ये बड़ी गंदी चीज़ है, ये बहुत तंग करती है क्योंकि ये ना इसको सारा कवर कर लेती है पौधे को, तो उससे फिर क्या नुकसान होता है। ये देखें, ये फल देखें ख़राब हो गए इसी की वजह से, ये इसको कवर कर लेती है, उसको फिर पूरी एनर्जी नहीं मिल पाती जिस तरह उसको मिलनी चाहिए। ये इसको इधर से पकड़ के खींचते हैं, आ ही नहीं रही, इतनी हैवी हो चुकी है यहाँ पे, ये इसको समझ नहीं आ रही मुझे इसकी, इस तरह तो आएगी। ये देखिए हर तरफ फैली हुई है, पूरा पौधा इसने कवर कर लिया है। ये देखें, तो मैं आपको इकट्ठा करके दिखाता हूँ कितनी ज़्यादा थी। ये ऐसे फजूल में इसने ऊपर, इसके ऊपर ऐसे चढ़ गई थी। अब देखें सफ़ा हो गई, थोड़ा सा बच्चा हुआ, इसको भी खींच लेते हैं, ये वाला। तो सामने स्प्रे शुरू हो चुकी है, इस तरफ से शुरू किया जिन्होंने, आपको बताया था मैंने स्प्रे करवाने के लिए आए मैम, इधर से शुरू हुई है। तो इंशाल्लाह ये 2-3 घंटे तो लग ही जाते हैं इनको करने में। चलो उनको अपना काम करने देते हैं, हम अपना काम करते हैं। ये तो क्लियर हो गया ना, इतना सारा माल के ऊपर खड़ा था खाम खा। चलो उनको स्प्रे करने देते हैं, साइड पर हो जाते हैं क्योंकि इसका नुकसान होता है, आँखों को बचाना चाहिए स्प्रे से, क्योंकि इसमें ना काफ़ी इस किस्म की मतलब वो डाली होती है इन्होंने, क्या बोलते हैं उसको, तेज़ाब या जहर वगैरह, ठीक है ना, वो चीज़ इसमें डालते हैं, तो वो असर उसका बहुत बुरा पड़ता है आँखों के ऊपर। बाकी अल्लाह खैर करे, ये अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करते हैं। तो गर्मी बहुत है, मैं चलता हूँ बाहर की तरफ, तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें काइंडली। अल्लाह ने के बान खुदा।